जिला कोर्ट में पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखना शुरू कर दी है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में एएसपी बघेल सहित दोनों थानों की पुलिस ने कोर्ट में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कोर्ट में पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इसके साथ ही कोर्ट में बेवजह तफरी करने आने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। अदालत की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने करीब एक घंटे से अधिक समय अपना यहां तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ कोर्ट में पहुंची, कुछ पल के लिए यहां अफरा तफरी सी मच गई। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में यूं ही खड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस ने पक्षकारों से अदालत में आने का सबब भी जाना। दरअसल कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस अधिकारियों के माने तो यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चेकिंग के लिए कोर्ट परिसर में निकले हैं, ये क्या है? पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिला कोर्ट में समय समय पर चेकिंग करने के निर्देश है और आज उन्हीं के निर्देशों की तामिले में हम सीएसपी साहब, थाना प्रभारी और प्रोबेशनरी डीएसपी और अन्य डॉग स्क्वाड और अन्य एचएसएमडी डीएफएमडी वाले सभी और गोपनीय सूचना संकलन वाले पूरे जिला परिसर, जिला कोर्ट के परिसर में चेक किए हैं और संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति और इनकी तलाशी ली गई है। उसमें कई ऐसे वारंट, कोई ऐसे सम्मन्स जारी करने वाले व्यक्ति मिले हैं जिनको तामिल होने के बाद भी कोर्ट में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो आज इनको दो तीन लोगों को यहाँ पर कोर्ट में पेश कराया गया है। और साथ ही साथ यहाँ कोर्ट परिसर में जो भी सामान संदिग्ध और मोटरसाइकिलें हैं और संदिग्ध स्थान हैं और सब चेकिंग की गई है। उसमें कहीं भी ऐसे कोई वस्तु आपत्तिजनक नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमने कोर्ट परिसर में सब जगह सब संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की चेकिंग की गई है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में।